जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। वजह यह है कि इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट स्टॉक में लग रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी न्यूज आ गई जिसके बदौलत इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसी को इस वीडियो में मेन रूप से कवर करेंगे ताकि जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं उन्हें एक आइडिया मिल सके कि क्या करना है, और नए व्यक्ति के लिए भी इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। सबसे पहले जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे बीएस इंडिया की वेबसाइट पर एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को, तो आप पाएंगे कि यह स्टॉक अभी एएसएम स्टेज वन में है। हालांकि एएसएम की कैटेगरी उतनी घातक कैटेगरी नहीं होती है जितनी कि ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी होती है। ये जस्ट इनिशियल स्टेज होता है किसी भी स्टॉक को जब से भी रेड फ्लैग में डालता है, तो इससे उतनी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें भी शेयर आसानी से बाई सेल हो जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार लोअर सर्किट में, हालांकि बीच बीच में अपर सर्किट भी इस स्टॉक में लगता है। ये वैसे तो स्टॉक काफी बढ़िया है जिसमें आप देखेंगे तो अपर सर्किट ही ज्यादातर लगा है और लंबी अवधि में तो इसमें तेजी बनेगी ही, लेकिन जो गिरावट देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म में, जिस वजह से इसके इन्वेस्टर घबराए हुए हैं कि लोअर सर्किट लग रहा है तो आगे क्या होगा, उसको इस चीज को इस वीडियो में मेन रूप से कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग इस कंपनी के टेक्निकल डाटा पर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझ लेते हैं ताकि बातों को समझने में आसानी होगी। हमने आपको पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया है, तो उसमें बताया कि ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है। बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनियों का क्या काम होता है कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, कैपिटल मार्केट में पैसा लगाती है, और एनबीएफसी जो कंपनी होती है बेसिकली लोन वगैरह भी प्रोवाइड करती है जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होती है इंटरेस्ट के बेस रूप में। तो जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है ना, उसका ग्रोथ देखिए भारत में हमेशा से है और आगे भी रहेगा। यही वजह है कि बीच बीच में इस स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिलते रहता है। अभी दिक्कत क्या है, जो हम लोग टेक्निकल समझेंगे तो बताऊंगा कि इस स्टॉक का जो शेयर प्राइस है ना, अभी एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, जिस वजह से कभी प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो जब वहाँ पर हम लोग समझेंगे आगे क्या करना। फिलहाल हम लोग चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले यदि मार्केट कैप देखें, तकरीबन 80 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। स्टॉक का पी 45 के आसपास है, जो ठीक है, पेनी स्टॉक का पी थोड़ा महंगा होता ही है। शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से कम है, ये थोड़ा सा एक मतलब चिंता की बात हो जाती है, लेकिन उतनी चिंता की बात नहीं क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर जब रिजल्ट बढ़िया आएगा तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो आरओसी है और जो आरओई है ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। हालांकि 1% होता तो ज़्यादा बेहतर होता, फिर कोई बात नहीं, समय के साथ ये अभी 1% से ज़्यादा ही होगा। अब हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर और टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आपको देखिए एक रेंज में फंसा हुआ दिखेगा, 70 पैसा से लेकर तकरीबन 80 पैसा, यानी कि इसी 10 पैसे के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से समय बिता रहा है और इसी में बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। अब दिक्कत क्या है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ होता है तो ये हम नहीं जानते कि कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट कब होगा, कब उससे बाहर निकलेगा, लेकिन हम जरूर जानते हैं कि ज्यादातर जो स्टॉक कंसोलिडेशन में होते हैं जब इसमें से बाहर निकलते हैं तो ज्यादातर उसमें चांस होता है प्राइस के ऊपर जाने का, यानी कि ब्रेकआउट होने का। और जब ये ब्रेकआउट होता है वो बहुत लंबा होता है, डिपेंड करता है कि कितना लंबे समय तक इसमें उसने इस रेंज बाउंड में समय बिताया। जितना ज्यादा समय बिताएगा उतना ही लंबा इसमें से ब्रेकआउट होगा और प्राइस उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे यदि ध्यान से आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इसका पहले से एक ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस था, इसीलिए यहीं पर बार बार आके देखेंगे तो 2 बार इसने आकर रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद प्राइस फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब नीचे देखिए जो 70 पैसा का लेवल, ये भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये स्टॉक में पोटेंशियल है। कंपनी जो काम करती है, कंपनी का जिस तरीके का फंडामेंटल है, उसके बदौलत स्टॉक के प्राइस में इतनी कमजोरी नहीं आएगी प्राइस इस लेवल को 70 पैसा के लेवल को तोड़ के नीचे आ जाए। यहां पर आपको अब वेट करना है इस स्टॉक के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होने का। जैसे ब्रेकआउट होगा आपका, यदि कोई व्यक्ति लॉस में भी चल रहे होंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने टॉप पे बाय किया होगा यहाँ पे यहाँ पे, तो लॉस तो रिकवर होगा ही, साथ में उनका रिटर्न जो है पोर्टफोलियो प्लस में आ जाएगा इस स्टॉक का बदौलत। तो आपको इसमें समय देना है। नए व्यक्ति को अभी देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट तुरंत नहीं करना है, प्राइस को थोड़ा रेंज बाउंड से बाहर निकलने दीजिए। कंफर्मेशन के साथ जब उठाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी जिसके पास पहले से शेयर से, अभी एवरेजिंग भी मत कीजिए, बस शांति से इसमें बैठ के बने रहिए, प्राइस को बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद जो भी करना होगा करेंगे। कंपनी के Q3 के नंबर आ गए हैं, थोड़ा सा उस पर नजर डालें तो सेल्स देखेंगे। जो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको बढ़ते हुए दिखा है। पिछले लगातार 2-4 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है लगातार बढ़ रहा है, और सेल्स से सिर्फ नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह भी आपको देखेंगे तो लगातार आपको बढ़ते हुए ही दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कंपनी जिसमें बताया जिस सेक्टर में काम करते हैं उसमें ग्रोथ है, इससे कंपनी की डिमांड है, तो जाहिर सी बात है इसके सेल्स इसके सर्विसेज लोगों को मिल रही है और इसके बदौलत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी आपको देखेंगे तो पहले
लिए जो कंपनी लॉस में थी, लॉस रिकवर हो गया और कंपनी अभी प्लस में आ गई और पहली बार 1 करोड़ का सस्ट कंपनी प्रॉफिट में आई है। यहाँ पे देखेंगे तो काफी दिनों के बाद, कई क्वार्टर के बाद जो कंपनी का नंबर आया है वो मतलब इतना हैवी नंबर आया है, कंपनी का नेट प्रॉफिट करोड़ों में आया है। तो जाहिर सी बात है जो ये कंपनी है, जिस तरीके की काम करते हैं, जिस तरीके फंडामेंटल है, लंबी अवधि में तेजी बनेगी, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें समय देना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई दूसरा सवाल है, कंफ्यूजन है, तो मन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।